राज्य जगतपुर के राजा श्रीधर और उनकी तीन पुत्र थे, विद्याधर, शशिधर, लक्ष्मणधर। राजा हमेशा प्रजा की सुख सुविधा का ध्यान देते थे। कुछ दिन बाद महाराज के तीन पुत्र विद्या शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो वापिस आए। पिताश्री, शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम लोग वापिस आ गए राज्य कार्य में आपका मदद करने के लिए। हाँ पिताश्री, जैसे दिव्य अस्त्र विद्या सीखे हैं, वैसे शास्त्र विद्या भी। राज्य कार्य में मेरा मदद करने से पहले तुम तीनों को परीक्षा देना होगा। लेकिन क्या महाराज, पश्चिम राज्य के कुंतलपुर का बहुत हालत खराब है। बरसात ना होने के कारण भूमि सुनी पड़ी है, अनाज का एक दाना नहीं। वहाँ के प्रजा बहुत दुखी है। अब तीनों राजकुमार को वहाँ भेजिए महाराज। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। क्यों राजकुमारों, आप लोग वहाँ का दुख दूर करने जाइएगा, अपने विद्या का परीक्षा देने जाएंगे। पिताश्री जरूर जाएंगे। ठीक है, कल सुबह ही रवाना हो जाइएगा। रथ तैयार कर दो। ये क्या? हाँ, ये क्या हालत है कुंतलपुर राज्य का? खेत खलियान, पेड़ पौधा सब सूखा है। खेत सूखा पड़ा है, फसल कैसे होगा? सिर्फ इतना ही नहीं, पास के राज्य के राजा हमारा राज्य पर आक्रमण करके बचा कुचा फसल भी ले जाते हैं। कैसे हम लोग जिएंगे? वो देखिए राजकुमार कितना सैनिक। सर, जैसे हम लोगों पे कूद पड़ेंगे, उससे पहले हम उन्हें मार देंगे। ये क्या महामंत्री, हमारे सारे सैनिक आग में जलकर मर गए हैं। और सैनिकों को भेजो, देखता हूँ क्या होता है। जैसी आज्ञा महाराज। वो देखो, फिर से सैनिकों को भेजे हैं। अब उन लोगों को मैं सबक सिखाऊंगा। क्या बोल रहे हो महामंत्री? महाराज, ये सच है, वो लोग बहुत शक्तिशाली है। वो लोग दिव्य शक्ति से सैनिकों को मर रहे हैं। मेरा रथ तैयार कीजिए, मैं खुद जाऊंगा युद्ध करने। वो देखिए महाराज, केशपुर के राजा स्वयं खुद आए हैं युद्ध करने। भैया, आप उन लोगों को रोकिए, मैं जाता हूँ युद्ध करने। ठीक है छोटे, ठीक है। चाहे तो अपने राज्य हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है यहाँ का दुख दूर करना, राज्य हासिल करना नहीं। इसीलिए आपको छोड़ रहे हैं। आप जाइए, अपने राज्य वापिस चले जाइए और दोबारा इस राज्य में मत आइएगा, समझे? मुझे मंजूर है राजकुमारों।
लेकिन महाराज हमारे इस राज्य का हालत कैसे ठीक होगा, कैसे हमारे दुख दूर होंगे। मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ। ओम अब हम लोग चलते हैं। अब तुम लोग खेती करो और फसल उगाओ। जब तक तुम्हारा फसल ना उगे तब तक हमारे राज्य से तुम्हारे लिए फसल दिया जाएगा। देखते ही देखते राजा श्रीधर का उम्र ढल गया। वो एक दिन मंत्री से बोले, महामंत्री मैं अपने तीनों पुत्रों को राज्य सौंपना चाहता हूँ, लेकिन किसे क्या तू नहीं समझ में आ रहा है। अब अपने तीनों पुत्रों को मेरे घर भेजिए, मैं सोच के उन्हें बता दूंगा कौन क्या पद लेगा। राजा अपने तीनों पुत्रों को मंत्री के घर भेज दिए, लेकिन मंत्री जी नहीं, मैं जाकर शेर वाले सिंहासन पे बैठता हूँ। तो फिर मैं हिरण के सिंहासन पे बैठता हूँ। मैं लकड़ी के सिंहासन पे बैठता हूँ। महाराज विद्याधर को राजा का पद दीजिए और लक्ष्मण को मंत्री का पद दीजिए। महाराज शशि को सेना का। बोलिए महाराज, मंत्री का विचार क्या ठीक है? हाँ ठीक है, क्योंकि पशुराज का सिंहासन पर एक राजा ही बैठ सकता है, इसीलिए विद्याधर को राजा का पद दे दिया गया और लक्ष्मण को मंत्री का पद दे दिया गया। वर शशि लकड़ी के सिंहासन पर बैठा था। एक सेना के जीवन में बहुत तकलीफ होता है, इसीलिए शशि कठोर लकड़ी के सिंहासन पे जाके बैठा और दोनों भाई सहमत थे। बेताल